ए टुनटुन, है इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं तेरे को दादाजी का फोटो दिखाता हूँ। दादाजी का फोटो, आना आना इधर आना। है मैं नहीं आता, चौदह समय रखा क्या मैं फेसएप का इस्तेमाल किया होगा, हमको सब पता है। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि हम लोग फेसएप में किस तरह से घुसे चले जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हम ये कह रहे थे कि देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारे इंडिया में जब से जैसे भी ट्रेंडिंग किया है तब से लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। oh, no. भैया जो लोग पहले से नसबंदी करा चुके हैं या गुप्त रोग है, वो लोग भी फेसबुक baby.com लेकर के अपने फ्यूचर के बच्चे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। हमारे देश का हाल ये हो चुका है भाई। जियो धनाधन भी इतना तेजी से नहीं फैला जितना फेसअप फैल गया। अचानक से कुछ सेलिब्रिटीज ने जैसे ही उस पर अपने थोपड़े और 20 साल के बाद का थोपड़ा को एक साथ मिला करके पोस्ट किया, लोग भी थोपड़े देखने के लिए चल दिए। जिनकी जवानी की शक्ल भी ठीक नहीं है वो लोग भी भाई साहब बुढ़ापे की शक्ल देख करके खुश हो रहे हैं। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या फेसअप पूरी तरह से सिक्योर है? भले ही सेलिब्रिटीज से इस्तेमाल करने, लेकिन क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? रशिया का एक एप्लीकेशन है फेसअप, जिस पर आप अपने फोटो को रख करके सुहाने मुहाने बना करके दाढ़ी वाड़ी लगा करके बूढ़े भी कर सकते हैं। जी हाँ, आते हैं। लेकिन यहाँ पर शिकायत किया है, BBC वालों ने खुद एक रिपोर्ट पेश की है जहाँ पर एक बात सामने आई है कि ये फेसएप एक तरह से आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल आज तो मैंने एक दूसरी जगह पर भी ये चीज पढ़ी है और कल एक यूट्यूब वीडियो भी देखा था जो कि अमेरिका के एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी इस बात को कही थी। खुद अमेरिका के सीनेट में इस बात में चर्चा हुई और वहां के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो उस मंत्री ने खुद जो है कहा कि ट्वीट करके कहा ये फेसएप एक चिंताजनक विषय बन चुका है क्योंकि हमारे अमेरिकी लोग अपनी जानकारी को, अपनी तस्वीरों को दूसरे देशों को बहुत ही आसानी से दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि फेसअप में होता क्या है, वहां पर आप ऑनलाइन फोटो लेकर के भेज सकते हैं। दरअसल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो आपके फोटो को सर्वर तक ले जा करके वहां पर आपके फोटो को एडिट एडिट करके उसमें दाढ़ी वाड़ी लगा करके आपको बूढ़ा दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आपका जो फोटो है वहां पर जाने के बाद वो सिक्योर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खुद अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन जो पहले आता है जो कि हम लोग बिल्कुल कभी भी नहीं पढ़ते किसी भी एप्लीकेशन का, वो अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उस फोटो का इस्तेमाल जो है बाद में कभी जाकर किया जा सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन का जो लिस्ट है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां पर जाकर चाहें तो चेक कर सकते हैं। दरअसल मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हो जाएंगे। दरअसल इससे कुछ दिनों पहले जो फेसबुक पर चल रहा था एक मरतबा कि आप अपने प्रोफाइल को लॉगिन करते थे, फिर वहां आप अपने प्रोफाइल को लॉगिन करते थे और देखते थे आपके 10 खास गुण, आपके 10 अच्छे मित्र, आपको कौन मारना चाहता है, आपसे कौन प्यार करता है। भाई तुमको नहीं पता, फेसबुक को सब पता है। वहां पर अपने प्रोफाइल घुसड़ घुसड़ कर चेक कर रहे थे और बाद में पता चला कि वो भी एक तरह से वो भी एक तरह से सिक्योरिटी लीक कर रहा था। आज के दौर में, स्पेशली इंटरनेट के जमाने में, हम भरोसा नहीं कर सकते और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे फोटो का इस्तेमाल कहां कहां किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो हम सबको इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। जहां तक कि BBC में जो रिपोर्ट दिया गया उस हिसाब से कहा जा रहा है कि इस तरह के फोटोज का इस्तेमाल कल जाकर के एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपके शौक को जानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कल जाकर कोई एडवर्टाइजमेंट आपके उस फोटो को यूज किया जा सकता है आपसे बिना पूछे, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से वो मेंशन है और आपने तो भाई पढ़ाई नहीं, ढाई ढाई फोटो अपलोड करने शुरू कर। जी हाँ, फोटो अपलोड करने से एक बात याद आया, कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की है कि जैसे उन्होंने फेस ऐप इस्तेमाल किया और जैसे उन्होंने वहां तो लॉगिन वगैरह कुछ होता नहीं, डायरेक्ट घुसे चले जाओ, कुंडी मत खड़काओ वाला, वहां पर आप जैसे जाते हैं ऑटोमेटिक फोटो अपलोड होना शुरू हो जाता है, ये भी शिकायत आई है। बाकी बच्चा के इतने ज्यादा लोग उसमें घुसे पड़े हैं कि अभी दो दिन से एक और प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही आप अपने फोटो को बूढ़े थोड़े करना चाहते हैं वो बोलता है कि भाई साहब हमसे ना होगा। क्या यार, सारे लोगों को बूढ़ा बनना है यार, देश को युवा चाहिए, युवा को बूढ़ा चाहिए। oh, no. भाई फेसएप भी हैंग हो रहा है और आप वो सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग जैसे इमोजीज दिखा रहा है। तो ऐसे में हम सब समझ सकते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कहां तक सही है कहां तक गलत है। बाकी आप सब समझदार हैं, बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।